हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी ब्लॉगर रिंगल जैन। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं जा रही थी सर हेयर वॉश करने, तो मैंने यहाँ पर लिया है वाव का ऑनियन शैम्पू, वाव का ऑनियन ही कंडीशनर लिया है। आप लोगों को पता है कि रेड ऑनियन हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, बालों की रीग्रोथ करने के लिए, शाइन करने के लिए और सॉफ्ट करने के लिए। अगर आपको अपने बाल बाउंसी बाउंसी से चाहिए, मतलब अच्छा खासा वॉल्यूम हो आपके बालों में, तो आप इन प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन प्लस कॉमेंट सेक्शन में, आप जाकर वहाँ बाय करिए। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं सच में गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और इसके जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन में दिया हो, जाकर बाय करिए। वाव स्किन साइंस के सभी प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इसके प्रोडक्ट मंगाए हुए हैं, तो मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। अगर आपको अच्छे लगते हो, आप चाहते हो कि मेरे बालों की जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जो लोग यूज़ कर रहे होंगे वो जानते होंगे वाव के प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, जैसा बोलते हैं वो करते हैं, नेचुरल होते हैं, नो पैराबेंस, नो सल्फेट, नो एक्स्ट्रा मिनरल, जो फालतू के केमिकल्स वगैरह होते हैं वो चीज़ इसमें नहीं डाली गई होती है। तो यहाँ पर मैंने अपना हेयर वॉश करने के बाद, मैंने मेरे बाल थोड़े से सूख गए थे, तो मैंने यहाँ पर क्लेचर लगा लिया है। बाल बहुत सॉफ्ट हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा फिसल रहे थे, तो इसी के लिए मैं यहाँ पर दीयू के सर वॉश करा है और इसके मैं यहाँ पर छोटी कर रही हूँ। तो यहाँ दीयू के बाल भी बहुत उलझ से गए थे, तो दीयू के भी मैं सुसुल जा रही थी। वैसे मैंने दीयू के बालों में ऑयल डाल दिया है, मैं हमेशा बालों में ऑयल डाल देती हूँ। अगर मैं कंडीशनिंग नहीं करी होती हूँ तो मैं बालों में ऑयल ज़रूर डालती हूँ सर वॉश करने के बाद, क्योंकि उससे क्या होता है हमारे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरिशी रहते हैं, और बाल काले वगैरह के जो सफ़ेद होने की जो प्रॉब्लम हो रही है वो भी नहीं होगी अगर आप अपने बालों की ठीक से केयर करेंगे। तो बहुत से लोग बोलते हैं हमारे बालों में से रूखापन हो गया है, साइन चली गई है, तो आप लोग बालों की केयर करेंगे तो सब भी ठीक होगा। तो चलिए, मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी है, तो वो भी कर लेते हैं। हाँ, आ जाओ। दीयू से बात करेगा कौन कौन? ओ, दीयू खा रही है यहाँ पर पोले। हाय गाइस कर दो। आप लोग भी पोले खा लीजिए। हाय गाइस बर्फ। हाँ, तो बोलना सीखिए दीयू। हाय गाइस बर्फ टॉलन चालू। और नहा के आइए, दीयू ने हेयर वॉश कराया ना। चलिए, तो मैं बात कर लूँ। कंडीशनर नहीं लगाया दीयू ने, ठीक है? अब सिर्फ हेयर वॉश करके आइए दीयू मेरी, पर कंडीशनर भी लगाएगी, ठीक है? अभी अभी खत्म हो गया ना कंडीशनर दीयू का, तो कंडीशनर में मंगा लूँ कंपनी से और वो बाय कर लूँ। तो ठीक है, दिया बच्चों वाला कंडीशनर खत्म हो गया है, वो तो मम्मा का है ना, तो मम्मी वाले से लगा। अच्छा ठीक है, तो चलिए मैं बात कर लूँ। चलो, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी ब्लॉगर रिंगल जैन। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं मतलब कि बहुत खुश हूँ, खुश थी, लेकिन कुछ लोगों को मेरी खुशी हजदम नहीं होती। और यहाँ पर आप लोगों को पता है मैंने हेयर वॉश कराया है वाओ का, वाओ के शैम्पू से, और उसके मैंने आप लोगों को दिखाई दी है कौन से शैम्पू और कौन सा कंडीशनर यूज़ करी हूँ। बाल बहुत सॉफ्ट से, साइनी से, देखिए कितने अच्छे हो रहे हैं, बाउंसी से। तो अभी तो गीले ना आपके, और मैंने हेयर वॉश कराया तो बाल बहुत ज़्यादा, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है ना। तो अगर आप लोगों को बाय करना है ना, तो इसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन प्लस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर बाय कर सकते हैं। वाओ के प्रोडक्ट वाकई में अच्छे हैं। मेरे में भी खुशबू आ रही है। तो वाओ के जो प्रोडक्ट है रियल में गाइस बहुत अच्छे हैं। मेरे चश्मा का है बाबू, वो उठा के लाना। तो वाओ के प्रोडक्ट वाकई में रियल में अच्छे हैं। और मैंने जो न्यू चश्मा बाय करा है ना, वो है ना अभी मुझे ना थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता लगाने में, तो मैं उसे नहीं, पुराना वाला ही ज्यादा भी यूज कर रही हूँ, नया वाला नहीं कर रही हूँ। उधर देखो सिलाई वाली मशीन पर रखा है, तो ज्यादा मतलब मैं यूज नहीं कर रही हूँ, अभी वो वाला यूज कर रही हूँ। और कल मेरी आ रही थी, तो नहीं बाबू मेरे चश्मा लगा रही है, दियो दो। अरे वो भी उल्टा, मैडम ने उल्टा चश्मा लगाया वो मेरा। तो ये गंदा हो गया यार, इसका जो वो है ना सॉल्यूशन, वो भी मेरे पास रखा नहीं है, वहाँ पे ड्रेसिंग टेबल में रखा है, तो वही वाला मैं लगाऊंगी जाकर, ठीक है?
सो गाइस मैं जैसे कि उधर मतलब मदर इन लॉ ने देखिए, अगर मैं एक बात बोलूंगी कि मैं अगर मेरे को कोई रेस्पेक्ट दे रहा है या फिर वो पिछली बातें भुलाकर अगर कुछ कह रहा है या मैं पिछली बातें भुलाकर आगे बढ़ना चाह रही हूँ, क्योंकि जो बातें हुई थी वो मेरी कब की थी, मतलब कि जबकि थी 8 महीने तो मुझे यहाँ पर रेंट पे आए हुए ही हो गया, तो उन बातों को मैं भुलाना चाह रही हूँ, तो मेरे समझ में नहीं आता ये उर्मी तिवारी है, ये कई सारे लोग हैं, इन लोगों को समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती, मैं फेक लगती हूँ, कुछ भी लगती हूँ, तो क्यों देखती हूँ मैडम आप पर इतना फालतू टाइम है, मेरे समझ में नहीं था। मैं हाथ जोड़ती हूँ ऐसे फालतू लोगों से, समझ में नहीं बोलूँ इनसे, इतने गंदे लोग हैं ना ये, रोज से ही आ जाते हैं हर वक्त गंदी मचाने, उतना फालतू टाइम है। पहले तो मैडम कह रही थी अब दिखाना वीडियो में, अब जाती हो तो, अब मैडम कह रही है कि तुम फालतू और झूठ बोलती हो, तो मैडम हाँ मैं झूठ बोलती हूँ, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, मैं जो भी बोल रही हूँ जो भी कर रही हूँ सब दिखा रही हूँ ना आप लोगों को, आप लोगों को मैं शेयर पहले ही कर देती हूँ जो मैं करने वाली होती हूँ, तो मैंने आप लोगों को परसों ही शेयर कर दिया था कि मैं जाऊँगी, और ये हमारे हिंदू धर्म में संस्कार है कि बड़ा बूढ़ा चाहे आपको कितना भी गलत कह ले, चाहे आपसे कितना भी गुस्सा हो जाए, सास सास ही रहती है, बहू बहू ही रहती है, बड़े बड़े ही रहेंगे, छोटे छोटे ही रहेंगे, अगर आप उनके पैर छुआओगे किसी बड़े त्योहार पर या आप उनके घर चले जाओगे तो आप छोटी नहीं हो जाओगे। शायद उर्मी तिवारी मैडम आपके घर ही संस्कार नहीं होंगे, मेरे घर ही संस्कार है, और मेरी मम्मी पापा भी बोलते हैं कि, मेरे मम्मी पापा का परसों रात में ही फोन आ गया था कि तुम चली जाना, मम्मी और पापा के दोनों के पैर छुआना, क्योंकि वो बड़े ही रहेंगे हमेशा, मेरे मम्मी पापा हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं, हमेशा समझाते हैं, कभी भी गलत बात का सपोर्ट नहीं करते, वो मेरा हमेशा इसलिए साथ देते क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। और एक और बात, अगर कोई भी प्रॉब्लम, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सा भी दिमाग होगा ना तो थोड़ा सा दिमाग लगा लोगी, बोल रही थी तुमने झूठ बोला, तो एक बात बता दूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, अगर सब कुछ ठीक था, तो मैं इतना बड़ा घर छोड़कर रेंट पर नहीं आती मैडम हस्बैंड के साथ, ठीक है, रेंट पर नहीं आती। और सेकंड नंबर, रेंट पर अगर मैं अपने खुशी के लिए या खुशी से रेंट पर आती ना, तो मैं अच्छा घर ढूंढती जो कि 5-6 हज़ार रुपये आराम से मेरा लेवल बन जाता। अगर मैं खुशी से आती, मैं पागल नहीं हूँ जो एक कमरे में किचन, एक ही कमरे में किचन एडजस्ट कर रही हूँ, एक ही कमरे में रह रही हूँ, खा रही हूँ, सो रही हूँ, कुछ नहीं था मेरे पास, अब धीरे धीरे करके मैंने सब लिया, एक कढ़ाई तक नहीं थी, जो लोग मुझे स्टार्टिंग से देख रहे हैं वो लोग जानते हैं, एक कुकर नहीं था मेरे पास दाल बनाने के लिए, सब मैंने धीरे धीरे करके लिया, जिसको करने में मुझे 8 महीने लग चुके हैं, सारा श्रेय आप लोगों को भी जाता है मेरे को, कई सारे लोगों ने सपोर्ट करा, कई सारे, मैं उन लोगों को थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि वो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, मेरे से बातें करते हैं, वो लोग जानते हैं कि हाँ ये झूठ नहीं है, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं मैं नहीं बताना चाहती हूँ यूट्यूब पे, मतलब क्या आपका हर बात मैं यूट्यूब पे शेयर करूँ, बहुत सारी बातें प्राइवेट भी रहनी चाहिए, ठीक है, और मुझे एक्सक्यूज देने की क्या जरूरत है आपको, मतलब मेरे समझ में, आप मेरे घर की हो या आप मुझे खिलाने आ रही हो या मेरी बेटी की फीस देने आ रही हो या फिर आप कुछ कर रही हो, तो मैं क्यों आपकी सुनूं। देखो लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, फालतू में कमेंट मत किया करो, और हाँ किसी भी यूट्यूबर का मेरे से कंपेयर मत किया करो, क्योंकि सब यूट्यूबर अच्छे हैं अपनी लाइफ में, सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आगे चल के भगवान जल्दी जल्दी सबकी शॉर्ट आउट हो जाए, और शॉर्ट आउट हो जाएगी तो फिर मैं भगवान से, मैं तो सबकी बोलती हूँ सबकी शॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि किसी का मजाक मत बनाइए, हो सकता है वो आपको नहीं शेयर कर रहा है, तो हो सकता है उसके आगे कुछ और प्रॉब्लम्स हो इसलिए नहीं शेयर कर रहा है, और मैंने शेयर कर दी क्योंकि मैं सही थी, मुझे पता था कि मैं सही हूँ, और गुस्से में तो इंसान बहुत कुछ कर जाता है, ठीक है, बाद में सोचता है यार ये नहीं करना चाहिए था, है ना, तो गुस्से में तो बहुत कुछ कर जाता है इंसान, बेशक वो मेरे से नहीं बात करें या वो मेरे से मुझे इग्नोर करते हैं कुछ भी करते हैं, लेकिन फिर भी जाती हूँ ना तो रेस्पेक्ट पहले मैं दे रही हूँ उनको, तब वो मुझे रेस्पेक्ट देंगी। अगर मैं उनसे बदतमीजी से बोलूँ कि पुरानी बातों को ही लेकर बैठी रहूँ, पुरानी बातों से ही लड़ती रहूँ उनसे, पुरानी कि तुमने मेरे साथ ये करा, तुमने मेरा सामान ले लिया, तुमने मेरे साथ वो करा, मेरे साथ वो करा, तो फिर क्या होगा, उससे क्या सोल्यूशन मिले, जो मेरा सामान रख लिया वो वापस तो वो मुझे दे नहीं, या फिर अपने आप से ही दे देंगी, उनका मन होगा तो दे देंगी, नहीं होगा तो, अब मैंने सब कुछ न्यू ले लिया, मेरे पास कुछ नहीं था, आप लोग जानते हो, मैंने सब कुछ न्यू धीरे धीरे करके लिया है, सब कुछ मैंने धीरे धीरे करके करा है, तो अगर मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी तो मैडम बेवकूफ नहीं हूँ जो मैं कोर्ट के चक्कर लगाती हूँ, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी तो पागल नहीं हूँ मैं इतना बड़ा घर छोड़ के एक रूम में रहने आई, पागल नहीं हूँ जो बिना सब लोग तो कूलर में रहते हैं, वहां पर मैं कूलर में रहती थी, यहाँ पर पंखे में रहती हूँ, पागल नहीं हूँ मैं,
ठीक है। और तुम पागल होंगी जो भैया तुम्हारे समझ में नहीं आता इतना नेगेटिव कैसे हो तुम, इतना लाइफ में तुम्हारे, मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझसे ज्यादा दुखी हो, पर सामान्य चीजों से पता नहीं हो या नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है तुम दूसरों के प्रोग्रेस से ज्यादा दुखी हो, क्योंकि आपके अपनी फ्रस्ट्रेशन जो भी है ना आप वो जाके मेरे पर दूसरे यूट्यूबर्स पर निकालती हो। आई डोंट नो आप ऐसा क्यों करती हो, फालतू टाइम आप पर इतना है। था तो पूड़ी भेजी थी और क्या भेजा था, कुछ एक और चीज भेजे, दही बड़े भेजे थे थोड़े थोड़े करके, तो वो मैंने खा लिए थे। अभी मुझे बनाना है लंच, और लंच बनाने में देखो सब्जी अभी है नहीं है, सब्जी मुझे खरीद कर लेकर आनी है, और सब्जी खरीद के लाऊंगी, दाल बना लूंगी, दाल और पराठे बनाऊंगी अभी तो मैं, ठीक है, दाल और पराठे बनाने हैं मुझको अभी, तो दाल पराठे बनाऊंगी, पोहे बनाऊंगी दीयू के लिए, दीयू को भूख लग रही है ना, दीयू दीयू मना कर रही है, पोले खा रही है ना वो खेलने वाले खाने वाले, तो वो बना लूंगी मैं, और उसके बाद देखती हूँ क्या बनाती हूँ मैं, पता चलेगा। और एक बात बताऊँ, मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है अच्छा या बुरा, उस सब का श्रेय आप लोगों को जाता है, आप लोगों की दुआएं, कहते हैं ना जिसकी दवा में असर नहीं होता उसकी दुआओं में असर होता है। और कल मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था ना उससे मेरे अभी तक दर्द हो रहा है, ये देखिए पूरा स्वेलिंग है मेरे हाथ पर, पैरों पैर पर है, थाइस पर, और थोड़ा थोड़ा यहाँ था जो अब ठीक हो गया है। और मैं लगाऊंगी आज फेस पैक लगाऊंगी, वाव कई यूज करूंगी, शायद मैं शेयर ना करूं क्योंकि मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूं, आप लोग जाकर बाय कर लीजिए, वाव पर भी बहुत अच्छे अच्छे वो आए हैं। मम्मी हाँ बेटा अभी मैं तैयार हूँ। हाँ तो यदि तो अब उनके पास कुछ नहीं बचा है, तो आप उन्होंने लड़की देकर लड़का ले लिया है, मतलब उन्होंने अपनी लड़की दी और लड़की लेकर उन्होंने अपना दामाद को लड़का लिया है, तो मतलब ये होता है कि वो जो लड़का है वो उसका जिम्मेदारी बनती है कि वो दोनों माँ बाप को देके प्लस उस लड़की को देके जो कि वो लेके आया है घर में, तो बहुत सारी संस्कार की बातें हो गई। आई नो आपको अच्छी लगी होंगी, क्योंकि जो लोग के अंदर संस्कार होते हैं ना, और जो लोग जानते हैं कि ये चीज़ हमारे फ्यूचर में फ़ायदा करेगी, ये छोटी छोटी बातें होती है ना ये माँ बाप की, ये सच में बहुत फ़ायदा करती है फ्यूचर में, तो ये अपना के जरूर देखना, बहुत फ़ायदा करेंगी। इस होली पर आप भगवान करें आपके जितने भी एनिमी वगैरह हों सब खत्म हो जाए, सारी खुशियाँ आए। तो ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं। सो गाइस, आप लोगों से बातें करने के बाद मैंने यहाँ पर बनाए हैं पराठों की रेसिपी, मतलब पराठे रखे होते हैं कल रात के, तो उनको फ्राई करा है मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च टमाटर वगैरह डाल के। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने आज नहीं करी, अगर आप कॉमेंट में पूछेंगे तो मैं फिर से शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर हम लोग है ना पराठा खाते जा रहे हैं, मैं आप लोगों के कमेंट देख रही हूँ कि क्या क्या कमेंट आए हैं, क्योंकि यही टाइम होता है आप लोगों के कमेंट वगैरह पढ़ने का। और मेरे पैरों में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो मैंने पैर है ना वैसे ही किए हुए हैं, तो प्लीज़ इस पर कुछ मत बोलना, क्योंकि होता है ना घर में रहते वैसे ही रहते हैं, अब ये कोई स्क्रिप्टेड नाटक तो है नहीं जो कि एकदम डिसिप्लिन में इस तरह से बैठे। तो यहाँ पर मैं बस मैं और दीयू पराठा इंजॉय कर रहे हैं, और दीयू देखिए शिमला मिर्च को निकाल के फेंक रही है, उसे शिमला मिर्च और टमाटर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसमें से है ना निकाल निकाल कर फेंक देती है। और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, और यहाँ पर मैं और दिया और जो भाभी का बेटा है वो बैठे हुए टीवी देख रहे हैं। मैं कुछ कपड़े जो मॉर्निंग में मैंने वॉश करे थे उनको तय बना रही हूँ, क्योंकि ये कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर मुझे बर्तन भी साफ़ करने, भी मैंने बर्तन भी साफ़ नहीं करे। एक्चुअली में भाभी नहीं है अभी, भाभी के खसरा जो निकला था वो और से मतलब हरा सा हो गया है, हम लोग क्या ऐसे ही बोलते हैं, मतलब फिर से निकल आया है, तो भाभी गाँव गई हैं, तो उनका लड़का अकेला ही है घर में, तो मैंने उसका खाना मैंने यहीं पर बनाया था अपने अपने पास ही, तो उसे खाना भी खिलाना है मुझको अभी, वो खाना खा लेगा। और यहाँ पर दीयू की जो पेंसिल थी वो है ना टूट गई थी, उसकी जो पॉइंट होता है वो टूट गया था, तो यहाँ पर मैं दीयू को छील रही हूँ, मैं दीयू को शार्प नहीं देती क्योंकि दीयू बार बार पेंसिल को छोटा करती है, तो फिर बार बार पैकेट बहुत जल्दी ख़त्म कर लेती है, मैं पैकेट लेके आती हूँ उसके लिए। तो यहाँ पर जो मेरे सारे कपड़े वगैरह मुझे तय बनाने हैं, और उसके बाद मुझे बर्तन साफ़ करने हैं, तो मैं सोच रही हूँ बर्तन भाभी की किचन में या उन दादी रहती हैं उनकी किचन में जाकर ही साफ़ कर लूँ, देन उसके बाद मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर क्या होता है ना कमरा बहुत ज़्यादा गीला गीला सा हो जाता है पूरा। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने कपड़े बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, देन मुझे यहाँ पर धोने थे, तो मैंने पूरी वीडियो शूट नहीं करी, क्योंकि पूरी वीडियो शूट करने से क्या होता है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तनों को वॉश कर ले रही हूँ साफ सिंक के पानी से, और मुझे यहाँ पर पता ईजी भी हो जाते हैं, बर्तन भी आप लोगों को दिख रहे हैं काफ़ी सारे बर्तन हो गए हैं, क्योंकि मॉर्निंग में भी मैंने वॉश नहीं करे थे।
सो गाइस मेरे यहाँ पर बर्तन वॉश करने के बाद मुझे जाना है अब सोने के लिए। तो मैंने ज़्यादा वीडियो शूट आप लोग के साथ नहीं शेयर करी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था और वीडियो शूट करने की वजह से काफ़ी लेट हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं सारे बर्तन वॉश करूँगी। एक्चुअली मैं मेरे को जो सासू माँ ने जो खाना भेजा था उसका जो टिफ़िन है वो भी मेरे पास ही है, तो उसको मुझे वापस रिटर्न करना है क्योंकि रिटर्न कर उनको भी ज़रूरत पड़ती है और मेरे पास बर्तन ज़्यादा रखने की जगह भी नहीं है। कुछ ही बर्तन है मेरे पास, गिने हुए बर्तन है, गिनी हुई कटोरियाँ हैं, प्लेट भी गिनी हुई है। तो बस यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह जितने भी हैं वो साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद मैं जो भी बर्तन धुलने के हैं वो भी मैं लगा दूँगी और इसके बाद मैं अपने सोने जाऊँगी। और जो मेरे जो भाभी का बेटा है, एक्चुअली मैं उसके चाचा वगैरह कोई नहीं है तो वो घर में बिल्कुल अकेला है, तो वो बैठ के टीवी देख रहा था। मैंने कहा तू यहीं पर देख ली। भाभी की मेरे पास कॉल आ गई थी कि आप है ना उसके लिए खाना बना देना, तो मैंने उसके लिए भी खाना बना दिया है। और यहाँ पर जो कुकर का ढक्कन था ना उसके अंदर है ना अभी भी दाल मुझे दिख रही थी, तो मैं उसको दाल को ही साफ़ कर रही हूँ उसको धोने के लिए। और किचन में है ना बहुत जल्दी बर्तन मच जाते हैं, और लेकिन अगर हम मैं अपने रूम में मांसती हूँ तो बहुत टाइम लगता है क्योंकि वहाँ पर जो पानी बार बार लेके जाना पड़ता है रूम के अंदर, दैन उसके बाद मैं साफ़ करती हूँ। तो भी भाभी नहीं थी तो मैंने सोचा यहीं पर साफ़ कर ले रही हूँ क्योंकि भाभी होती है तो फिर ज़्यादा किचन मतलब सामान रखा रहता है ना, अभी किचन खाली खाली सी भी थी तो मैंने कहा यहीं पर साफ़ कर ले रही हूँ तो मेरे ये जो बर्तन है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगे। और यहाँ पर कुकर में ना जो दाल जो निकलती है ना पानी वो ज़्यादा गंदा हो जाता है तो उसको मुझे बार बार साफ़ करना पड़ रहा है। तो जब तक साफ़ नहीं होगा तब तक मुझे भी अंदर से ना अच्छा अच्छा सा फील नहीं होता, जब तक गंदगी रहेगी। तो गाइस ये वीडियो मैं यहीं एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।